अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA रोड के ऊपर और इस वक्त तकरीबन 1:30 बज रहा है और 29 अगस्त है आज 2020। वाटर बोर्ड की जानिब से बताया गया था कि पिपरी और धाबे जी जो है वो मुकम्मल बैठ गया है, जिसकी वजह से जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो बंद हो गई है और मुसलसल तकरीबन ये 1.5-2 हफ्ते से जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा अभी थोड़ी देर पहले लाखों साहब से रब्ता हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि जी आज सप्लाई के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा कि आज भी सप्लाई बंद है। और ये देखें आपके ये चाइना की जो वॉल ऑपरेट होता है कोरंगी 5 से, उससे ये पानी जो है वो यहाँ DHA तक पहुँचता है। और देखें इस वक्त 1:30 बज रहा है और ये पानी यहाँ पर जो है वो ये नज़र आ रहा है आपको, ये 36 इंच की लाइन है जिसमें से पानी जो है वो इसका प्रेशर देखें आपके किस तरह से ये ऊपर आ रहा है। और वाटर बोर्ड की जानिब से मुसलसल जो है वो कोरंगी की आवाम को, लांडी की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी पानी नहीं है। और यहाँ पर देखें किस तरह से पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है, ये सारा पानी जो है वो DHA में जा रहा है। मैं सवाल करूँगा वाटर बोर्ड के लोगों से, क्या कोरंगी लांडी में इंसान नहीं है? क्या वहाँ के लोग जो है वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या वहाँ के लोग जो है वो कराची के शहरी नहीं है? क्यों जुल्म किया जा रहा है लोगों के साथ? क्यों लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसाया जा रहा है? एक तो बारिशों का सिलसिला है, लोग वैसे ही परेशान हैं और ऊपर से ये पानी की शॉर्टफॉल जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, जो मस्नूई किल्लत आप लोगों ने पानी की बनाई हुई है। ये देखें चाइना का वॉल दिन में ऑपरेट हो रहा है, पानी चल रहा है और रात में कहा जाता है कि जी धाबे जी बंद है, पिपरी बंद है। तो मैं इनसे सवाल करूंगा कि ये पानी जो है वो दिन में जो चल रहा है ये कहाँ से मिल रहा है वाटर बोर्ड को? तो काइंडली इसके ऊपर एक्शन लीजिए। आला हुकाम से मैं गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लें, कोरंगी की आवाम को, लांडी की आवाम को उनका हक दिलवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।